बूंदी वाले शेप में अपने भाई साहब बेसन की छोटी छोटी पकौड़ियाँ, तड़का लगाया हुआ भैया, इसमें गुड़ की चटनी है सब, और यार अपना वड़ा। हेलो प्लान फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कानपुर के एपिसोड में आप लोग का वेलकम। तो वड़ा पाव तो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा, तो आज की वीडियो में आपको लेकर आके भाई साहब संजावन कानपुर में वड़ा पाव खिलाने। भैया जी राम राम। भैया राम राम, क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया, क्या क्या खिला रहे हो लोगों को? भैया वड़ा पाव, पाव भाजी, मिक्सल पाव, सारी चीजें खिला रहे हो जी, मतलब पाव के जितने आइटम है सब। जी जी भाई, सबसे पहले अपनी गैस जला जा रही है और आएगा अपनी कढ़ाई पर रिफाइंड। कौन सा रिफाइंड है? फॉर्च्यून का जी भैया, प्रॉपर यही यूज करते हैं जी। तो भाई साहब अधिकतर लोग नॉर्मल एकदम सस्ते वाले रिफाइंड यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर आपको फॉर्च्यून मिलेगा भाई। एक पैकेट रिफाइंड डालने के बाद एक पैकेट और ऐड करी जा रही है इसमें। यार ये अपनी हरी मिर्च वड़ा पाव के साथ भाई खाने में अलग ही मज़ा आती है, और मिर्ची भाई साहब कढ़ाई में फूटती बहुत तेज है। तो ये आज की फ्राई होने के लिए देख रहे हो आप कैसे पटाखे फूट रहे हैं। पहले अपनी मिर्ची हो चुकी है फ्राई, और भाई मिर्च में ये आ गया ऊपर से सफ़ेद नमक। तो चलिए बनवाते हैं अपना वड़ा। तो ये आ चुका है अपना वड़ा का मटेरियल, ये आलू का भाई साहब मसाला है। तो भैया इसमें क्या क्या ऐड करते हो? जी भैया इसमें क्या क्या मिक्स करते हो? भैया इसमें सब मिक्स किया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता है। बताया नहीं जाता है जी। राई का तड़का वगैरह मारते हो उसमें? जी। क्योंकि राई दिख रही है जी, राई दिख रही है, मीठा पत्ती पड़ता है, बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन सीक्रेट बात सबको नहीं बताया जाता। नहीं बताओगे जी? कोई बात नहीं, आजकल यही चल रहा है, सब लोग अपना सीक्रेट माल रख रहे हैं ताकि कोई दूसरा ना बना ले जी। बेसन क्योंकि भरना गजब का आता। और भैया ये क्या है? नमक भाई, नमक, मीठा सोडा आ गया, मीठा सोडा खाने वाला, और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स किया जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कराया, हो गया भैया? जी भैया। तो भाई साहब बैटर अपना तैयार हो चुका है। तो यार अपने आलू ले जो लड्डू बनाए गए थे, गोलियां बोल लो चाहे लड्डू, और इन्हें डाला गया बेसन में, और अच्छी तरह से डिप करके इन्हें डाला जाएगा एक कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। हाँ, और कहते हैं कि बड़ा भाई कोई भी चीज़ खाओ, अगर पकौड़े खाओ या कुछ भी खाओ, अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती तो खाने में मज़ा नहीं आती। टाइमिंग क्या शॉप की भैया? सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक जी। और प्राइस वगैरह क्या है अपना वड़ा पाव का? जी नॉर्मल 20 रुपये, बटर 25 रुपये। बटर 25 रुपये, नॉर्मल 20 रुपये जी। और पाव भाजी वगैरह भैया 60 रुपीज़। 60। और मिसल पाव वो भी 60 रुपये। 60। 60 जी। उसमें 4 पाव रहेंगे पाव भाजी में। हाँ जी। मिसल पाव में 2 पाव रहेंगे बड़े वाले। तो भाई साहब देख रहे हो अपने जो वड़ा थे ब्राउन हो चुके हैं कलर बिल्कुल, ऊपर से देख रहे हो आप ब्राउन, और भाई क्रिस्पी जब तक नहीं होते खाने में मज़ा नहीं आती। तो फाइनली हो चुका था तैयार अपना वड़ा। तो भैया जो वड़ा पाव बनाते हैं उस पर अंदर जो बेसन के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उनको अलग से निकालते हैं ताकि अंदर से क्रिस्पीनेस अलग से आ जाए। अधिकतर लोग करते हैं लेकिन बहुत कम ही लोग करते हैं। तो भाई साहब ये आ चुकी बूंदी वाले शेप में अपने भाई साहब बेसन की छोटी छोटी पकौड़ियाँ, सब ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल तो वैसे भी। तो फाइनली अपनी मिनी वाली पकौड़ियाँ आ चुकी हैं बाहर। तो ये भी आपको नॉर्मल वाला वड़ा पाव 20 रुपये का है और बटर वाला 25 रुपये का जी भैया। हमारे यहाँ अमूल चलता भैया, मिलावटी वाला कोई काम नहीं। ये चला गया अंदर। तो अब ये आ रहा अपना पाव, और भाई साहब पाव का साइज भी काफ़ी बड़ा है और पाव सॉफ्ट लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि देख रहे हो आप दबाते हुए बिल्कुल दबा जा रहा है वो। और ये आ रहा अपना बटर, और अंगूर बटर लगाने के बाद खाने का मज़ा ही कुछ और आता है, टेस्ट बिल्कुल इन्हेंस हो जाता है, मतलब जो खाता होगा उसे पता चल जाता है कि कौन सा बटर यूज़ हुआ है। तो पहले अपना ये पाव सेका जाएगा, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका, अब ये पलटा जाएगा। भैया क्या क्या पड़ता है? सौंठ की चटनी है ये जी भैया, और इसमें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो क्या? तड़का लगाया हुआ है। तड़का लगाया हुआ है भैया, इसमें गुड़ की चटनी है सब, गुड़ और सौंठ मिक्स है जी। भाई साहब हर जगह आपको नहीं मिलने वाली है ये। भाई पहले इनका दिखाते हैं, ये अपना लहसुन वाला मसाला जी भैया जो कि वड़ा पाव में डाला जाता है, और ये तो हो गई अपनी मीठी वाली चटनी जी, कितनी थीक है ये, और ये हो गई अपनी स्पाइसी वाली ग्रीन वाली चटनी जी। पहले आ रही अपनी ये ग्रीन वाली चटनी, ये स्पाइसी होती होगी
जी भैया, आपका मीठी चटनी आ गया। और ये आ गया अपना लहसुन का मसाला। ये आपके आ गया भैया कुरकुरा वाला मसाला। और ये आ रहा अपना वड़ा। तो फाइनली तैयार हो चुका अपना वड़ा पाव। अब इसको कराते हैं पैक। भैया हरी चटनी आ गई, ग्रीन वाली चटनी आ गई जी, ये मीठी चटनी आ गई, ये आ गई अपनी फ्राई मिर्च, आपकी मिर्च आ गई फ्राई मिर्च। चलिए हम भी ट्राई करते हैं। चटनी आ गई, मसाला साथ में दोगे जी? तो भाई साहब लेते हैं अपने वड़ा पाव की बाइट। तो पहले ग्रीन वाली चटनी के साथ, और इनकी जो ग्रीन चटनी है ना वो स्पाइसी है, और मीठी वाली चटनी का जो फ्लेवर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप संजय बनाते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मिर्ची भी स्पाइसी है, बहुत ज़बरदस्त है। अंदर के भाई साहब जो टिक्की का साइज़ है ना वही बहुत बड़ा है, और जो बड़ा देख रहे हो पाव पूरा, तो बड़ा पाव भी आप देख रहे हो उसका भी साइज़ देख रहे हो काफ़ी हैवी है। मतलब 25 रुपीज़ में आपको क्वालिटी और क्वान्टिटी बहुत तगड़ी मिलने वाली। तो अगर आप इधर से निकलते हो एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। तो क्या चलिए देखते हैं शॉप की लोकेशन। शॉप का नाम है मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव, और ये मिलेंगे आपको संजय वन में काउंटर नंबर 28। तो जब आप आज देर से आ रहे हो छोटे बाबा की तरफ से और जा रहे हो सनीदेव मंदिर के लिए, तो शॉप आपको राइट हैंड में मिलने वाली है। और जब आप सनीदेव मंदिर की तरफ से आ रहे होंगे और जा रहे हो छोटे बाबा के लिए, शॉप को लेफ्ट साइड मिलेगी। अपनी ब्लॉग एंडिंग यहीं करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।